पहली चीज क्या? जोश। किस किस में जोश है? सब में सर। सब में जोश है। दूसरी चीज फोकस। फोकस पता है किसे कहते हैं? रियलिटी में बताओ। आंखों से आते। बिल्कुल सर, हर कोई अर्जुन बनना चाहता है पर कोई चुड़िया की आंख में नहीं देखना चाहता। आकर सर तब तक ये कलर देखेंगे, वो कलर देखेंगे, पैरों का कलर क्या है, ये आदमी पहनना क्या है, पर ये नहीं देखना चाहता कि इसकी आंखों में ये बोल क्या रहा है ताकि शब्द को सुन सके। यहाँ पर दीवारों का कलर देखने के लिए नहीं आया हम यहाँ पर, तो फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्या थी जल्दी बताइए? खाली क्लास। क्या चीज है बताओ? खाली क्लास। कौन कौन खाली क्लास है यहाँ पर? मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं सबसे बोला आपको हम एक फॉर्म दे रहे हैं यहाँ पे जाने के बाद। ये देखो सब लोग देख लो, इस फॉर्म को आपको भरना है। यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं 5 साल 10 साल, और जिसने भी ये लिखा तो मैं उसको यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस उतार लूंगा। समझ में आ गए? यस। मैं चाहता हूँ कि प्यारे तुम्हारा एक्सपीरियंस ये होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? सर अब रियलिटी एक्सपीरियंस तो बोर्ड पे है, कनेक्टर बदलने वाले को एक्सपीरियंस नहीं कहते। हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना था, हमें भीड़ बनाना है अपने घर के सामने। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, हमें अपनी दुकान के सामने क्या लाना है बताओ? भीड़ लानी है। तो वो जोश होना चाहिए, और जोश होगा, जुनून होगा और 100% विश्वास होगा तो ही हम इस रस्ते को क्लियर कर देंगे। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं आगे जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, खुद ही आत्मविश्वास हिला हुआ है, डोला हुआ है, तो मैं कैसे कर लूंगा ये चीज? तो आपको वो जोश और एनर्जी हमसे उठाओ, हम देते हैं तुमको, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ भी बहुत सारे मैनेजमेंट की चीजें बताऊंगा, बहुत सारा बिजनेस को रन करने का और क्या टेक्निक हो सकता है, किस तरीके से आप बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी आपको सर्किट के साथ पता चलेगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं एक आखिरी बात, मुझे बताइए 30 तारीख मैं आपसे लाइव देख लो, तुम्हारे घर वाले देख रहे होंगे, नहीं है तो उनको लाइव शेयर कर देना। 30 तारीख को लाइव पावर एसी कौन कौन निकाल के लगाने वाला है जल्दी बताओ चालू साइड से? पक्का? यस सर। 31 को एक भी ऐसा नहीं छोड़ना है जो नहीं कर पाए, और नहीं कर पाएगा तो इसे टेलीकॉम दिन बढ़ाएगा नहीं, आगे वापस पावर एसी पे काम करेगा। मुझे बताओ 31 तारीख को लाइव 4G सीपीयू कौन कौन निकाल के लगाएगा, चालू करेगा? पक्का? यस सर। और वो भी परफेक्ट ट्रिक के साथ? यस सर। टच मैटर के साथ, ऐसा नहीं कि मैं वैसा नहीं लगाऊंगा कि बस सीट दे जाओ अपने आप मिल गया लग गया, मैं तुमसे हर एक से टच करवाऊंगा। वही मेन टेक्नीशियन और टच मैटर जानता है, क्योंकि वही परफेक्ट स्किल होती है, क्योंकि हीट देकर लगाने वाला तो नॉर्मल है, उसका लगता ही नहीं लगता है ये चीज। मुझे बताओ आंटी सर यहाँ पे कौन कौन लगा लेगा? उनको लगाएगा भाई, हम भाई सर लगाएंगे। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एक बार जोरदार ताली फिर से। ये निकाल दो, नहीं निकाल दिया तो मतलब तुमने अपनी इस आईसी का साइलेंसर निकाल दिया। अगर ये हीटिंग होगा तो एक कैपेसिटर लगाना ही पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा, वाटर डैमेज में एक कैपेसिटर सड़ जाता है, और कुछ नॉर्मल टेक्नीशियन कोई नॉलेज ना होने के कारण कैपेसिटर्स निकाल देते हैं। उनको लगता है पैरेलल लगे हर कैपेसिटर की कोई वैल्यू कोई बकत नहीं है, ऐसा नहीं, हर कंपोनेंट की वैल्यू है, हर कंपोनेंट की बकत है, हर कंपोनेंट वापस लगाना होता है तो ही सर्किट पूरा बनता है, ध्यान देना। तो अब इसको थोड़ा सा पूरा ड्रॉ करता हूँ, हमने कौन कौन सी लाइन पढ़ी ध्यान दीजिएगा। तो हमने 6 सप्लाई पढ़ी है, 6 सप्लाई देखी है, मतलब पढ़ी वढ़ी कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी हम फर्स्ट डे है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा पढ़ी है, ध्यान दो, 6 सप्लाई देखी है। तो पहली सप्लाई मुझे बताओ कौन सी सप्लाई, जल्दी बोलो, पहली सप्लाई बोलो, कोडिंग बोलो, बोलो कोडिंग बोलो, और यहाँ क्या हो सकती थी बताओ? ठीक है, जो कौन से नंबर के पैड पे आ रही है बताओ? ठीक है, दूसरी सप्लाई हमारी ग्राउंड हो गई, क्या लाइन होगी बताओ? ये लाइन क्या दिखाई दे रही बताओ? GND दिखाई दे रहा है ना, B3 पॉजिटिव ग्राउंड, ये दोनों पॉजिटिव ग्राउंड है, क्या ग्राउंड है बताओ? ठीक है, सप्लाई ग्राउंड, पॉजिटिव ग्राउंड, सप्लाई ग्राउंड, ध्यान देना, एक ग्राउंड निकल गया तो चल जाएगा, दोनों निकल गया तो आईसी काम नहीं करेगी, एक ग्राउंड निकल गया चल जाएगा, दोनों निकल गया आईसी काम नहीं करेगी, टैग की बात कर रहे हैं आईसी के अंदर की। दूसरा, तो ये हमारा दूसरा सप्लाई हो गया ग्राउंड, तीसरा बताओ हमने क्या बताया था? कमांड, बताओ उसमें कौन से कमांड आ रहे हैं जल्दी बोलो, कौन से कमांड बोलो, क्या आना चाहिए, कहां से आ रहे हैं? जी आर बताओ,
अगर जी आर के बाद में क्या चेक करना है इस पर? सी के बाद में क्या चेक करना है बताओ? यहाँ चार्जिंग एसी कब मानी जाएगी जल्दी बताइए? एस एम एम यू एस यू एस एम। अब देखो यहाँ पर एक एक और है, यहाँ पर है ये आई सी, इस आई सी को पर डाल दीजिएगा, क्या लिखा होगा बताओ? बीबी, ये भी हमारी चार्जिंग आई सी है, क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ? इसका मतलब ये कौन सी आईसी हमारी? हाँ जी, चार्जिंग आईसी है। अब ध्यान देना, तो चार्जिंग आईसी ढूंढ ली। तो तीन तरीके हैं जिससे आप ये आईसी को डन बता सकते हो। मतलब सपोज द सर्किट अगर आया नो चार्ज, तीन टेस्टिंग है। टेस्टिंग तो बहुत ओवरऑल बहुत थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?